डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज 26 जून 2020 फ्राइडे एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर गोइंग टू डिलीवर अ विजुअल लेक्चर फॉर द वर्क पेजेस ऑफ यूनिट नंबर 9 एज वेल एज वी विल रिवाइज कम्प्रीहेंशन नंबर 4 फ्रॉम ग्रामर एंड कंपोजिशन। माई लेक्चर इज़ फॉर 9th P1 N1 बॉयज़ एंड गर्ल्स। डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम एंड क्यूरीज अबाउट द प्रीवियस लेक्चर्स यू मे आस्क। As you know students, we have started our summer vacation homework from the textbook as well as grammar and composition and completed the reading translation, word sentences, question answer and objective part of unit number 9, all is not lost, sab kuch rahega, nahi gaya. As we read in the lesson that how important is the nursing profession and the problem of nursing profession. The story highlights the importance of nursing profession and how the sincere effort and strong determination of a nurse saves a patient from a near crippling stage. I hope students you have learnt your question answer and prepared objective part of unit number 9. So let's move to the work pages of All Is Not Lost. For this, first of all students, open your textbook at page 97. जहाँ पे हमने अपनी रीडिंग ट्रांसलेशन एंड की थी, ग्लॉसरी देखी थी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में। ग्लॉसरी मैंने आपको पढ़ा दी थी और प्रॉपर बता भी दिया था कि आपने इसको ऑब्जेक्टिव के हवाले से किस तरीके से तैयार करना है। इसी तरह से हमने 97 पेज पे ओरल एक्टिविटी जो है उसको क्रॉस कर देना है और कम्प्रीहेंशन में जो आंसर क्वेश्चंस हैं हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इनको कंप्लीट किया है। आई होप इनको आपने राइट डाउन भी कर लिया होगा इनको और प्रिपेयर भी कर लिया होगा। तो इसको आपने टिक कर लेना है। पेज नंबर 98 पे अब आ जाएं आप। वर्क पेजेस करते हुए आपको, जैसा कि स्टूडेंट्स मैं साथ साथ ये बताती जाती हूँ कि कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, आपके ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव पेपर में किसी न किसी हवाले से ये आ सकती है, तो उसको आपने मार्क कर लेना है, टिक लगा लेना है। और जो एक्टिविटी आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपके पेपर में नहीं आती ना MCQs की फॉर्म में और ना ही सब्जेक्टिव में किसी हवाले से, आपने उसको जो है वो क्रॉस कर देना है, क्रॉस का निशान उसके ऊपर लगा लेना है। इससे ये फ़ायदा होगा कि जब आप जो है वो अपने टेस्ट की तैयारी करेंगे, फेजेस की करेंगे या एनुअल पेपर की तैयारी करेंगे, तो आपको जो है वो अच्छे तरीके से ये बात पता होगी कि ये एक्टिविटी आपने प्रिपेयर करनी है और ये एक्टिविटी आपने प्रिपेयर नहीं करनी। ठीक है, इस तरह से आप जो है वो ज़्यादा प्रिसाइज होकर अपनी तैयारी करते हैं और फोकस्ड होते हैं कि जो एक्टिविटीज़ तैयार करनी है उनको बहुत अच्छे तरीके से आप तैयार कर लेते हैं। ठीक हो गया, तो ये आप एक्टिविटी, ये जो हैबिट है आपकी, आपको हेल्प आउट करती है आपकी एनुअल पेपर या टेस्ट की तैयारी के दौरान। ठीक, तो यही प्रैक्टिस आपको मैं क्लास में भी करवाती हूँ। अभी आपको वर्क पेजेस करवाते हुए मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी ऐसे ही किया था, तो अभी भी अपने हाथ में जो है वो लेड पेंसिल जो है वो आप पकड़ लें और पेज नंबर 98 पे देखें। जो एक्टिविटीज़ हम करेंगे उनको आपने अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर ही सॉल्व करना है, इसलिए टेक्स्ट बुक का होना आपके सामने बहुत ज़रूरी है। पेज नंबर 98 पे जो बी एक्टिविटी है, सबसे पहले तो इसको टिक कर लें, इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। लिखा हुआ है कि रीअरेंज दी सेंटेंसेस इन करेक्ट सीक्वेंस। ये एक्टिविटी आपके पेपर में वैसे नहीं आती क्योंकि इतना लंबा क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव पार्ट का हिस्सा ही नहीं है और ऑब्जेक्टिव में ये किस तरीके से आ ही नहीं सकता, लेकिन सिर्फ जो है वो हम ओवरव्यू लेने के लिए एक लेसन का, यूनिट नंबर 9 की स्टोरी का, कि आपने इसको किस हद तक अंडरस्टैंड किया है, इस एक्टिविटी को करेंगे। ठीक है, ये एक्चुअली कुछ सेंटेंसेस हैं दिए हुए जो कि सीक्वेंस में नहीं है, यानी जो जो हैपनिंग्स हुई हैं, जो जो कुछ हुआ है चैप्टर में, यूनिट नंबर 9 हमने पढ़ा है, तो उस सारे को एक एक सेंटेंस में डिस्क्राइब किया गया, पूरे इवेंट को, और उनको जो है वो सीक्वेंस में नहीं रखा गया। आपसे कहा गया है कि इन सेंटेंसेस को एक सीक्वेंस में करें ताकि एक पूरी स्टोरी बन जाए। ठीक है, अब इसको जो है वो सबसे पहले तो हम रीड आउट कर लेंगे और मैं इसको ट्रांसलेट कर देती हूँ ताकि आप इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकें, फिर उसके बाद हम इसको अरेंज करेंगे। पहला सेंटेंस है, वी डोंट हैव मच होप फॉर हर, हमें इसके लिए ज़्यादा उम्मीद नहीं है। फिर है, एज अ यंग प्रोफेशनल आई विश टू सेव द वर्ल्ड, एक पेशा, एक नौजवान पेशावर के तौर पर मैं दुनिया को बचाने की ख्वाहिश रखती थी। आई कुड नॉट लीव माई पेशेंट फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल ऑन हर ओन, मैं अपनी मरीजा को जो है वो
अपनी जंग, हारी हुई जंग खुद से लड़ने के लिए नहीं छोड़ सकती थी. फिर है आई वॉज प्राउड टू बी अ नर्स, मुझे एक नर्स होने पर फ़ख्र था. देन द फाइव सेंटेंसेज, वन डे आई वॉज थ्रिल टू सी शी लिफ्टिड हर लिटल फिंगर, ऑल वॉज नॉट लॉस्ट. एक दिन मैं ये देख के हैरान रह गई कि उसने अपनी छोटी उंगली को उठाया है और सब कुछ रायगा नहीं किया. द एडवाइस टू लीव द पेशेंट अनअटेंडेड डिड नॉट सीम राइट, ये आपका सिक्स सेंटेंस है कि मरीजा को बगैर देखभाल के छोड़ देने की नसीहत दुरुस्त दिखाई नहीं देती थी. देन नेक्स्ट इज थैंक्स टू अल्लाह शी वॉज माई पेशेंट स्टैंडिंग एंड वॉकिंग ऑन हर ओन फीट. अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो मेरी मरीजा थी, अपने पाँव पर चलते और खड़े होते हुए. फिर है वन डे स्टैंडिंग एट द बेड साइड ऑफ अ यंग पेशेंट आई वॉन्डर्ड इफ़ शी कुड मेक द सेम रिकवरी लाइक अदर्स. एक दिन अपनी नौजवान मरीजा की एक तरफ बिस्तर के एक तरफ खड़े हुए मैं ये देखकर हैरान थी कि क्या ये दूसरों की तरह से सेहतयाब हो सकती है. ठीक है, तो इसमें आप देखें अगर तो सबसे पहले स्टोरी जहाँ से शुरू होती है वो अपना इंट्रो करवाती है कि वो कौन है, उसकी क्या ख्वाहिश थी. ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो सेकंड सेंटेंस है आपका यंग, जैसे कि हमने इसको पढ़ा और इसको ट्रांसलेट किया कि एज अ यंग प्रोफेशनल आई विश टू सेव द वर्ल्ड. आप यूँ करेंगे कि नंबरिंग एक तरफ जो है वो आपकी बुक वाली दी हुई है और सेंटेंस के आगे बिल्कुल आप जो है वो जो एक्चुअल सीक्वेंस है वो लिखते जाएंगे. ठीक है, जैसे सेकंड वाला है तो उसके बिल्कुल सामने आप लिखें नंबर वन, यानी ये आपका नंबर वन पे चला जाएगा ये सेंटेंस. फिर उसके बाद वन डे स्टैंडिंग एट द बेड साइड ऑफ अ यंग पेशेंट, ये आपका सेकंड सेंटेंस बनेगा. जो आठवां है एक्चुअली वो बनेगा आपका सेकंड सेंटेंस. दो इसके सामने आपने सेंटेंस के लिख लेना. फिर उसके बाद अगर आप इसको पढ़ के देखें तो जो पहला सेंटेंस है वी डू नॉट हैव मच होप फॉर हर, तीसरा वाला सेंटेंस बन जाएगा. ठीक है, फिर उसके बाद द एडवाइस टू लीव द पेशेंट अनअटेंडेड डिड नॉट सीम राइट, जो कि असल में छठा सेंटेंस है, ये आपका बन जाएगा बेटा फोर्थ वाला. फिर उसके बाद है आई कुड नॉट लीव माई पेशेंट फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल ऑन हर ओन, ये आपका पाँचवा सेंटेंस बन जाएगा. ठीक है, उसके बाद है वन डे आई वॉज थ्रिल टू सी शी लिफ्टिड हर लिटल फिंगर, ये वाला सेंटेंस आपका जो है वो सिक्स वाला सेंटेंस बन जाएगा. और उसके बाद थैंक्स टू अल्लाह जो आपका सातवां सेंटेंस ही है, ये सातवां ही सेंटेंस रहेगा, इसके सामने लिख लें. फिर उसके बाद आई वॉज प्राउड टू सी आई वॉज प्राउड टू बी ए नर्स, जो आपका फोर्थ सेंटेंस है, ये आपका एट वाला सेंटेंस बन जाएगा. ठीक हो गया, ये आपने इसको सीक्वेंस में लिख लेना है हर एक सेंटेंस के सामने सामने. इसको जब आप पढ़ के देखेंगे तो ये एक अच्छी एक्टिविटी है सीक्वेंस में करने के लिए, आपकी एक स्टोरी पूरी की पूरी रिवाइज हो जाती है. उसके बाद बेटा पेज नंबर 98 पे आप देखें वोकैबुलरी एक्टिविटी, मैच कॉलम ए विद कॉलम बी, के कॉलम ए को आपने कॉलम बी के साथ मिलाना है. ये आपके जो है वो यूँ कह लें कि सिनोनिम्स हैं. ठीक है, इंग्लिश मीनिंग है, एक शॉर्ट सी एक्टिविटी है. इसको आप इसके सामने लिख लें कि आपने एमसीक्यूज़ के तौर पे तैयार करना है, सिनोनिम एमसीक्यूज़ फॉर सिनोनिम एमसीक्यूज़. इस तरह से आपको पता होगा कि ये एक्टिविटी आपने एनुअल पेपर में किस हवाले से तैयार करनी है. पहला आपका वर्ड है लिखा हुआ बेड बिसाइड के एक तरफ. ठीक है, तो इसमें आप जो है वो एट द साइड ऑफ का मतलब है कि एक तरफ या के पहलू में. ठीक है, तो आपने जो है वो बी साइड को एट द साइड ऑफ के साथ मिला लेना है लाइन लगा के या नंबरिंग करके. फिर है आयरनिक, आयरनिक जिसका मतलब होता है तंजिया. ठीक है, तो दूसरी तरफ कॉलम बी में आप देखें वर्ड है एक लिखा हुआ कन्वेइंग ऑपोजिट सेंस, जो जो है वो मुखालफाना एक एहसास या शऊर जो है वो पैदा कर रही हो. आयरनिक इस सेंस में आ जाता है. फिर है द नेक्स्ट वर्ड इज़ मेड अप, मेड अप यानी फैसला करना, जहन बनाना. तो कॉलम बी में आप देखें डिसाइडेड का वर्ड लिखा हुआ है, आपने इसको इसके साथ मिला लेना है मेड अप डिसाइडेड. फिर उसके बाद है जस्टिफाई माई स्टांस, जस्टिफाई माई स्टांस यानी मौकफ कॉलम बी में है. प्रूव माई सेल्फ राइट, अपने आप को दुरुस्त साबित करना. ठीक है, इसको आपने जस्टिफाई माई स्टांस के साथ जो है वो मैच कर लेना है. ये कॉलम आपने जो है वो प्रॉपरली वर्ड टू वर्ड मैच कर लेना है एक दूसरे के साथ, लाइन लगा के कर लें या वन टू लिख के कर लें.
फिर उसके बाद बेटा आप देखें, अगर पेज नंबर 98 पे देखें आप, बी एक्टिविटी है आइडेंटिफाई द फ्रेजेज एंड इडियम्स इन द यूनिट एंड यूज़ दैम इन सेंटेंसेज, इसको आपने क्रॉस कर देना है। फिर उसके बाद यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेज, फर्स्ट एज वर्ब्स एंड देन एज नाउन। ये एक्टिविटी हम जो है वो सेंटेंस मेकिंग की फॉर्म में कर चुके हैं, इसको आप टिक कर लें सी एक्टिविटी को, ठीक है। उसके बाद है इसी के आगे लिखा हुआ एग्जांपल्स, ठीक है, ये आपकी जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ में, आप के आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट गो स्ट्रेट देन टर्न लेफ्ट, आपको जो वर्ड बोल्ड करके दिया हुआ है कि ये जो है वो इस सेंटेंस में क्या रोल प्ले कर रहा है, क्या फंक्शन है इसका, वर्ब है या नाउन है, इसको आप जो है वो इस तरह से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद बेटा आपका पेज नंबर है 99, देखें ग्रामर एक्टिविटी है रीराइट द फॉलोइंग पैराग्राफ, पुट इन आर्टिकल्स ए एन एंड द टू रिप्लेस, ये जो साइन दिया हुआ है आपको वेयर नेसेसरी, आप पैराग्राफ देख रहे हैं आपको डिफरेंट जगहों पे जो है वो ये साइन जो है वो नज़र आ रहा है लिखा हुआ, आपसे कहा गया है कि जहाँ जहाँ पे ये साइन है ये मार्क है वहाँ वहाँ पे आपने आर्टिकल पुट करना है जो सा रिक्वायर्ड है, अगर ए वहाँ पे आ रहा है सूटेबल है तो ए लिखना है, एन आना है तो एन लिखना है, दा आना है तो दा लिखना है। आपको पता है कि आर्टिकल्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल और एक इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है, तो आपने अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आपने वहाँ पे पुट करना है। जैसे ए कॉन्सनेंट साउंड्स के साथ आता है आपको पता है, एन आपका जो है वो वॉवल साउंड के साथ आ जाता है, और दा जो है वो आपका जहाँ पे डेफिनेट है सिचुएशन, प्रॉपर नाउन यूज़ किया गया है, ठीक है, या किसी भी बात को आपने मखसूस करना है स्पेसिफिक करना है तो वहाँ आप दा का वर्ड यूज़ करते हैं, क्लियर। अब जहाँ जहाँ पे साइन है आपने उस पे फोकस करना है और वहाँ पे मैं जो भी आर्टिकल या वर्ड बोलूँगी आपने लिखते जाना है, ठीक है। लेड पेंसिल आपके हाथ में होनी चाहिए, आपने जो है वो ध्यान से गौर से सुननी है मेरी बात और फिर साथ साथ पुट करते जाना है, पैराग्राफ मैं बोलती जाऊँगी। अच्छा जी, पहले है वेयर देयर इज़, यहाँ पर आपको साइन नज़र आ रहा है, वेयर देयर इज़ आ विल, देयर इज़ आ वे, इज़ आ फेमस प्रोवर्ब। पहला सेंटेंस जो हमने अभी पढ़ा है उसमें तीन जगहों पे आपको ये साइन नज़र आ रहा है और तीनों जगहों पे आपका आ वर्ड यूज़ होगा ए, ठीक है, ए या आ जिसे आप प्रोनाउंस करते हैं। फिर है अगला सेंटेंस, मैनी आ वॉइस पर्सन हैज़ अप्रूव्ड इट, मैनी आ वॉइस पर्सन, ए आपका सेकंड सेंटेंस में भी आ गया। उसके बाद इट इज़ एन, इट इज़ एन ऑल टुगेदर रॉन्ग नोशन, यहाँ पे एन इसलिए आया कि ऑल टुगेदर यहाँ पे वाउल साउंड प्रोड्यूस कर रही है इस वजह से, टू इग्नोर इट, इट इज़ एन ऑल टुगेदर नोशन टू इग्नोर इट। फिर उसके बाद दोबारा से आपको ये साइन नज़र आ रहा है, वहाँ पे आपने दा लगाना है, दा पीपल यानी वो लोग, वो मखसूस लोग, दा पीपल हु अडॉप्ट दिस फाइन प्रिंसिपल फाइंड एन अल्टीमेट विक्ट्री, एन अल्टीमेट, अल्टीमेट भी वाउल साउंड है इस वजह से, दोबारा सुने, the people who adopt this fine principle find an ultimate victory, clear। फिर उसके बाद अगला sentence शुरू हो रहा है, वहाँ पर भी आपको ये sign नज़र आ रहा है, the man यानी वो शख्स, specific किया है man को इस वजह से the आया है, the man who does not act upon this rule cannot succeed in life, ठीक है, लाइफ से पहले आपने कोई भी आर्टिकल जो है वो पुट नहीं किया इन तीनों में से, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आर्टिकल सूटेबल नहीं है। फिर उसके बाद देखें व्हाट, यहाँ पे आपको इसके बाद एक मार्क नज़र आ रहा है, व्हाट आर लेसन इट हैज़ फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक हो गया। अब आपने जो है वो दोबारा से, मैं इस पैराग्राफ को रिपीट कर रही हूँ, चेक कर लेना है कि कोई ऐसा आर्टिकल जो कि मिस ना हो गया हो आपका, हर एक मार्क पर आपने फोकस करते जाना है। वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे इज़ अ फेमस प्रोवर्ब, many a wise man has approved it, it is an altogether wrong notion to ignore it, the people who adopt this fine principle find an ultimate victory, the man who does not act upon this rule cannot succeed in life, what a lesson it has for all of us, ठीक है। ये आपकी एक्टिविटी थी ए पंक्चुएशन के हवाले से, सॉरी जो है वो आर्टिकल के हवाले से, ये आपको
एमसीक्यूज़ के हवाले से जो है वो ये आ सकती है, आप इसके सामने लिख लें एक्टिविटी के सामने के फॉर ग्रामर एमसीक्यूज़, आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट में जो ग्रामर एमसीक्यूज़ वाला पोर्शन है वहाँ पे कोई एक आध सेंटेंस जो है वो दे सकते हैं आपको, और फिर आर्टिकल आपको ऑप्शन में दे सकते हैं। फिर उसके बाद है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, ब्लॉक में लिखा हुआ नज़र आ रहा है बेटा, ये आपकी जो नरेशन के हवाले से क्वेश्चन है टेंथ क्लास में आता है, इस वजह से इसको अभी हम नहीं कर रहे, इसको आपने क्रॉस कर देना है। फिर लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। बी एक्टिविटी देखें, ये भी आपकी जो है वो नरेशन के हवाले से है, इसको भी आपने क्रॉस कर देना है, अभी ये आपकी जो है वो सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको अभी हम जो है वो कंसीडर नहीं करेंगे। फिर उसके बाद बेटा पेज नंबर 100 है, आप देखें इस पर एक्टिविटी सी नज़र आ रही है आपको, री राइट पैराग्राफ 3 ऑफ द यूनिट इन द इनडायरेक्ट स्पीच, इसको क्रॉस कर दें। डी एक्टिविटी है चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इसको भी आपने क्रॉस कर देना है, ठीक है, ये भी आपने जो है वो नहीं करनी अटैम्प्ट। कंपाउंड प्रेपोजिशन आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये एक्टिविटी आपके एम सी क्यूज़ के हवाले से इम्पॉर्टेंट है, पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि कंपाउंड प्रेपोजिशंस हैं क्या, फिर उसके बाद इनसे रिलेटेड जो नीचे ब्लैंक्स वाली एक्टिविटी है उसको हम करेंगे। प्रेपोजिशन जैसा कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसके बारे में पढ़ा है कि द वर्ड विच शो पोजिशन और रिलेशन ऑफ अ नाउन टू अनदर, ठीक है, यानी नाउन या प्रोनाउन की एक दूसरे के हवाले से पोजिशन या रिलेशन के बारे में हमें ये बताता है। अब कंपाउंड प्रेपोजिशन क्या है, कंपाउंड जैसे कि आपको पता है लफ्ज़ इसका मतलब होता है मुरक्कब, जो है वो दो चीज़ों का या दो से ज़्यादा चीज़ों का, तो जब दो या दो से ज़्यादा प्रेपोजिशन आपस में मिल के एक वर्ड की तरह से काम करें, एक लफ्ज़ के तौर पे काम करें, तो तब ये कंपाउंड प्रेपोजिशन कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बिकॉज ऑफ का वर्ड आपको बोल्ड फॉर्म में नज़र आ रहा है। कंपाउंड प्रेपोजिशंस आर टू और मोर वर्ड्स वर्किंग टुगेदर एज वन वर्ड एंड फंक्शनिंग एज अ प्रेपोजिशन। कंपाउंड प्रेपोजिशन दो या दो से ज़्यादा अल्फाज होते हैं जो कि काम करते हैं एक लफ्ज़ के तौर पे, और प्रेपोजिशन का काम करते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, कंपाउंड प्रेपोजिशन। जैसे बिकॉज एक अलहदा लफ्ज़ है और ऑफ एक अलहदा लफ्ज़ है, लेकिन बिकॉज ऑफ की वजह से, ठीक है, जब हम इसको वर्ड को यूज़ करें किसी सेंटेंस में तो ये कंपाउंड प्रेपोजिशन कहलाएगा। अब इससे रिलेटेड एक्टिविटी जो है वो हम कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द गिवन कंपाउंड प्रेपोजिशन में आपको जो है वो नज़र आ रहे हैं, जैसे कि कुछ वर्ड्स, इनको मैं पहले आपको ट्रांसलेट कर देती हूँ ताकि आपको इनको ब्लैंक्स में पुट करने में आसानी हो। पहला वर्ड है अलोंग विद, के साथ, इसका मतलब होता है। फिर है अकॉर्डिंग टू, के मुताबिक। इन फ्रंट ऑफ, के सामने। अवे फ्रॉम, से दूर। बिकॉज ऑफ, की वजह से। इंस्टेड ऑफ, की बजाय। ठीक है, ये वर्ड्स हैं जिनको आपने ब्लैंक्स में पुट करना है। पहला जो सेंटेंस है उसको देखें, हमने किस लफ्ज़ के साथ कंप्लीट करना है, आपने सेंटेंस के सेंस को समझना है। डैश माई टीचर, इट इज़ ग्रेट बुक। यहाँ पे आएगा अकॉर्डिंग टू माई टीचर, मेरी टीचर के मुताबिक। ठीक है, फिर है ही हैड टू रिटायर डैश इल हेल्थ, ही हैड टू रिटायर बिकॉज ऑफ, की वजह से, ठीक है, बुरी सेहत की वजह से। आई एम स्टैंडिंग डैश द स्कूल बिल्डिंग, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ, के सामने, स्कूल की इमारत के सामने। ही इज़ कमिंग डैश हिज फ्रेंड्स, ही इज़ कमिंग अलोंग विद हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ आ रहा है। आई एम डैश माई होम राइट नाउ, आई एम अवे फ्रॉम माई होम राइट नाउ। अवे फ्रॉम आएगा से दूर। फिर है सिक्स्थ आपका, ही लेफ्ट फॉर सियालकोट डैश लाहौर, ही लेफ्ट फॉर सियालकोट इंस्टेड ऑफ, यानी की बजाय। ठीक है, ये आपके वर्ड्स थे जिनको आपने ब्लैंक्स में प्रॉपरली पुट करना है कि सेंटेंस की जो सेंस है वो क्लियर हो जाए। पेज नंबर 101 पे आ जाएं, आपकी एक्टिविटी है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के हवाले से, ये टेंस आप कर चुके हैं। पास्ट जिसका मतलब होता है माजी, और परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल, कंटिन्यूस जारी, और टेंस मीन ज़माना, यानी जब कोई भी काम कुछ हद तक कंप्लीट हो गया है और अभी भी जारी है माजी में, तो उसको हम जो है वो क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, द स्ट्रक्चर ऑफ द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज़, सबसे पहले आपको पता है हम सब्जेक्ट पुट करते हैं, फिर वर्ब यानी हैड ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ पे हम पुट करते हैं हैड, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, आई वी दे यू ही शीट
फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, कोई सा भी पर्सन है, आपने हैड पुट करना है। हैड के बाद आपने जो है वो बीन पुट करना है और मेन वर्ब में आपकी बेस फॉर्म आएगी और आईएनजी वाली। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़ ऑफ द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कि कहाँ पे ये टेंस जो है वो यूज़ होता है। द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज़ लाइक द पास्ट परफेक्ट टेंस, ये पास्ट परफेक्ट टेंस की तरह से है बट इट एक्सप्रेसिस लॉन्गर एक्शन इन द पास्ट, लेकिन ये माजी में किए गए जो लंबे काम हैं उनको उनके बारे में बताता है। बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट यानी एक काम से पहले जो काम हो चुका है उसके बारे में हमें ये बताता है, और इसमें ख़ास तौर पे वक्त और मुद्दत का जिक्र भी होता है। रहीम स्टार्टेड वेटिंग एट 9 PM, आई अराइव्ड एट 11 AM, व्हेन आई अराइव्ड रहीम हैड बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, इसमें सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता है। आपको कहा गया है एफेक्टिविटी में कि राइट द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स, आपने इसमें जो है वो फॉर्म लगानी है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की, तो इस एक्टिविटी को टिक कर लेंगे। आपका जो फर्स्ट पोर्शन है एमसीक्यू के हवाले से आपने जो है वो ऑब्जेक्टिव पेपर में इनको तैयार करना है। इसके सामने चाहे आप लिख भी सकते हैं कि फॉर वर्ब एमसीक्यूज़। ठीक हो गया। फर्स्ट आपका जो है वो सेंटेंस है, सलीम वाज सिटिंग ऑन द चेयर आउट ऑफ ब्रेथ, ही डैश रन, आपको जो है वो ब्रैकेट में दिया गया है, यानी आपने ये फॉर्म जो है वो चेंज करनी है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म में। आपने ऊपर स्ट्रक्चर में देखा है कि हैड बीन और उसके साथ साथ वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी जो है वो इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ही हैड बीन रनिंग। सेकेंड में देखें, वी डैश अलोंग द रोड फॉर 20 मिनट्स, यहाँ पे वॉक लिखा हुआ है ब्रैकेट में, आपने इसको जो है वो चेंज करना है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, वी हैड बीन वॉकिंग अलोंग द रोड फॉर 20 मिनट्स व्हेन अ कार स्टॉप्ड एंड द ड्राइवर ऑफर्ड अस अ लिफ्ट। आई डैश माई होमवर्क फॉर टू आवर्स व्हेन माई फ्रेंड केम, इसको भी चेंज करेंगे तो आई हैड बीन डूइंग माई होमवर्क आ जाएगा आपका। फिर है दे डैश एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग, दे हैड बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग। द पेशेंट डैश विद पेन व्हेन द डॉक्टर अराइव, द पेशेंट हैड बीन क्राइंग विद पेन व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड। ठीक हो गया। फिर उसके बाद है जी एक्टिविटी आपकी, इसको आपने क्रॉस कर देना है, सेंटेंस मेकिंग इसके हवाले से हमने तैयार नहीं करनी। पेज नंबर जो है आपका 102 राइटिंग स्किल्स की एक्टिविटी है, ठीक है, इसको भी आपने क्रॉस कर देना है, ये भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। पेज नंबर आपका 103 है, ये भी पूरा पेज आपने जो है वो क्रॉस कर देना है, ये भी आपके पेपर में नहीं आता। इसके साथ साथ हम ग्रामर एंड कंपोजिशन से जो है वो कम्प्रीहेंशन पैसेजेस कर रहे हैं। कम्प्रीहेंशन पैसेज आज हमने जो है वो 4 करना है अनसॉल्व, ठीक है। कम्प्रीहेंशन पैसेज करने का तरीका रिवाइज आपको मैंने बता दिया हुआ है कि पैराग्राफ को रीड आउट करना है, फिर आपने क्वेश्चंस को रीड आउट करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है कि क्या पूछा गया है, फिर आपने आंसर जो है वो फाइंड आउट करना है। अगर आपको इस तरह से समझ ना आए तो आप डिटेल लेक्चर जो है आपके यूट्यूब चैनल पे उस पर आप सर्च करके जो लेक्चर्स में डिटेल हमने डिस्कशन की हुई है वो आप कर सकते हैं। अगर फिर भी कम्प्रीहेंशन के हवाले से कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन इसको प्रॉपरली रिवाइज आपने ज़रूर करना है। डायरी आपने नोट डाउन कर लेनी है, हमने यूनिट नंबर 9 के वर्क पेजेस किए हैं कंप्लीट, आज कुछ भी काम लिखने वाला नहीं है, ना ग्रामर का ना टेक्स्ट बुक का, ठीक है, वर्क पेजेस पे। लेकिन जो कुछ आपने लिखा है अपनी बुक के ऊपर ही लेक्चर को सुनते हुए उसी को आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाए। ग्रामर में हमने कम्प्रीहेंशन पैसेज नंबर 4 जो किया है उसको रिवाइज आपने प्रॉपरली कर लेना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे।